फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरीज़ किचन। आज आपके अपने चैनल गौरीज़ किचन में बन रहा है कच्चे आम का खट्टी मीठी चटनी। आइए सामान देखते हैं। ये मैंने कच्चे आम ले लिए हैं धो के, इसको हम छील लेंगे। अच्छे से हम लोगों को ये आम को छील लेना है, छील के इसके पूरे उतार देंगे। देखिए दोस्तों, ये आम हमने छील लिए हैं, इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। इस तरीके से ग्रेट कर लेना है, सारे आम को हमको ग्रेट कर लेना है। देखिए हमारे आम ग्रेट हो गए हैं। ये हमने थोड़े से सूखे मसाले ले लिए हैं, सौंफ, लाल मिर्च, हींग, मंगरेल और जीरा। ये सूखे मसाले हैं। गैस पे मैंने पैन रख दिया है, ऑयल मेरा गर्म हो गया है। इसमें मैंने हींग डाल दिया है और अपने सूखे मसाले को तेल में डाल दिया है। इनको लाल करेंगे, धीमी आंच पे दोस्तों लाल करना है ताकि इन मसालों का फ्लेवर तेल में आ जाए। अपने ग्रेट किए हुए आम डाल देंगे, कच्चे, सारे कच्चे आम डाल देना है इसमें और अच्छे से मिलाना है। धीमी आंच पे ही पकाना है, मिला देंगे। और अब हम इसमें अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर देंगे हम इसको। धीमी आंच पे ही भूनना है और कुछ देर ढक के इसको पकाना है। दोस्तों देखिए, मैंगो हमारे गल गए हैं कच्चे आम। इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को मिला देंगे अच्छे से। दोस्तों ये चटनी बहुत अच्छी बनती है खाने में, इसे आप पराठा या रोटी किसी से भी खाइए। कुछ देर के लिए ढक देंगे, फिर से खोल के इसको मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, चटनी में हमारा कितना अच्छा कलर आ गया है। इसको मैश कर देंगे अच्छे से, चला देंगे। और कुछ देर ढक के इसको पकाएंगे। हमारी चटनी पक रही है, इसको फिर से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें अपने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ मैंने किशमिश लिया है, नारियल का बुरादा दो चम्मच डाल दिया है, एक चम्मच काजू मैंने लिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। चटनी को मिक्स कर देंगे और धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। देखिए दोस्तों, हमारी चटनी भुन रही है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और चटनी को बाउल में निकाल लेंगे। सारी चटनी को बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। यदि आपको मेरी चटनी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।